हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्लास नाइन्थ और टेंथ के लिए। लेटर्स हम कर चुके हैं, लेटर्स के बाद आज हम करेंगे ईमेल। तो हम बात करते हैं ईमेल की, क्या चीज़ है ईमेल, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। ईमेल, खूब सुना होगा आपने नाम ईमेल। इसे हम शॉर्ट में कहते हैं उसको मेल कर दो, मेल करना, यही होता है ईमेल। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। वैसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है या इलेक्ट्रिक मेल है या क्या है, बट ये जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं आपके नॉलेज के लिए है कि आप जान जाओ। क्योंकि हम जो चीज़ भी कोई करते हैं, जो भी कोई काम करते हैं, उससे पहले हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ है, हम क्यों कर रहे हैं इसको। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करें ईमेल की। ईमेल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और अब इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो बता देते हैं, क्या फ़ायदे हैं इसके, बेनिफिट्स। अब बेनिफिट इसके क्या है कि एक तो क्या है, ये फास्ट, बहुत जल्दी। ऐसा नहीं हम डाक भेजते हैं, लेटर भेजते हैं, बहुत बहुत दिनों तक रास्ते में रहते थे, कई बार डाकिया लापरवाही कर जाता तो वो इधर उधर हो जाते थे, सही एड्रेस पे अपने जो भी मतलब सही उसकी लोकेशन होती वो कई बार वहाँ पर नहीं भी पहुँचते थे। अब ये इसका क्या है, फास्ट। फास्ट मतलब अपने टाइप किया, क्लिक करते ही अपने एक या दो सेकेंड में, एक या दो सेकेंड का टाइम भी नहीं लगेगी, मतलब पूरे संसार में कहीं भी भेज सकते हैं इसको। फिर दूसरा नंबर देखिए, चीप, सस्ता, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। बस अपने को जो अपने नेट का रिचार्ज होता है, डाटा पैक होता है अपने, उसके अंदर चाहे एक डाटा पैक के अंदर करोड़ों भेज दो चाहे आप, ये कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। ये लेटर की बजाय, डाक की बजाय बहुत सस्ता आपको पड़ता है। अब दूसरा नंबर अपने क्या करें इसमें, अटैचमेंट। अटैचमेंट्स क्या हो गई, हम साथ में कुछ देखो, अटैचमेंट को अगर तोड़ के देखें, अटैच और मेंट अलग अलग दिख रहे हैं हमें, सॉरी अटैच। अटैच करना क्या होता है, जोड़ देना। हम इसके साथ में कुछ ना कुछ जोड़ सकते हैं। अटैच हम क्या कुछ कर सकते हैं इसके साथ, इमेज, सॉरी इमेज के बाद ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट हो गया कोई भी, या इसको बोले अपने कोई पीडीएफ हो गई, कुछ भी इसके साथ हम क्या सोचते हैं। देखिए, हम इसमें लेटर होता है जो अपने किसी को भेजते हैं, उसमें सिर्फ टेक्स्ट होता है, लिख के भेज सकते हैं। अब इसके अंदर हम क्या था, ईमेल भेजते हैं तो उसमें अटैच कर सकते हैं। अटैच कैसे कर सकते हैं, कोई पीडीएफ फाइल है वो भी भेज सकते हैं साथ में जोड़ के, इमेज, कोई फोटो, ऑडियो है, कोई रिकॉर्डिंग है, कोई सॉन्ग है, कुछ भी है, कोई वीडियो है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कंप्यूटर वगैरह का कोई डॉक्यूमेंट है, कोई और है, किसी फ़ोन का डॉक्यूमेंट है, कुछ भी भेज सकते हैं साथ में। ये सारी चीज़ें भेजी जा सकती है, जो क्या है, लेटर के अंदर ये अटैच नहीं हो सकती, फिर उसकी फ़ोटो कॉपी वगैरह लगानी पड़ती है। फिर उसमें क्या है, नो नीड ऑफ पेपर, इसमें पेपर की या पेन की कोई ज़रूरत नहीं होती। और अब जब देखो पेपर और पेन की कोई ज़रूरत नहीं है तो अपने आप ही ये क्या है, इको फ्रेंडली हो गया। इको फ्रेंडली मतलब पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं होना चाहिए, ये नहीं है, क्योंकि पेपर वेस्ट होता है। तो आजकल आप एक चीज़ देखें, जैसे अपना कोई भी सरकारी काम है, कुछ भी है, जितने भी कागजात होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, कितने ज़्यादा होते हैं, लगभग जोड़ के देखा जाए कितने करोड़ों फॉर्म्स, कोई करोड़ों कागजात होंगे, तो कितने पेड़ काट दिए गए होंगे उनके लिए। अगर वही सारा डाटा ऑनलाइन होता तो किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ती, कोई कॉपी की पेन की नहीं पड़ती, और उसमें क्या है, सारा डिजिटल मीडिया हो सकता था टोटल। और अब ये सारी चीज़ क्या है, एक ये डिजिटल है, तो डिजिटल है तो अब इसका कोई जो मेंटेनेंस नहीं है, सॉरी मेंटेनेंस।
अब इसका मेंटेनेंस नहीं है तो फोन में फाइल पड़ी है तो जो कंप्यूटर में पड़ी है जितना मर्जी टाइम पड़ी रहे, ऐसा नहीं है कि जो बुक होती है अपने कोई पेपर है वो तो फट सकता है, उसके ऊपर पेन चल सकता है, ख़राब हो सकता है, ये जितना मर्जी टाइम पड़ी रहे ख़राब होने वाली फाइल नहीं होती। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम क्या कहते हैं, जो ईमेल है वो लेटर की तुलना में बहुत ही बढ़िया है। ओके, और अपने जो मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न टाइम में क्या है, लेटर्स का जो एग्जिस्टेंस है बहुत ही, मतलब अपने बोले तो रेयर है, ख़त्म हो चुका है, बहुत कम है, ईमेल ही ज़्यादा चल रहा है। लेटर्स तो क्या है कि कोई ज़रूरी है जो जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता वो ही डाक आती है, ज़्यादातर तो ईमेल्स ही आती हैं आजकल के ज़माने में। फिर अपने देखें ईमेल, इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, ईमेल इसके लिए हमें क्या होता है, जो उसका किसी भी आदमी का एड्रेस, सिटी, विलेज, लोकेशन, कुछ भी नहीं चाहिए होता हमें, ये नहीं बताना होता कौन से गांव भेजना है कौन से शहर भेजना है, हमें ओनली इसमें क्या चाहिए होता है, सॉरी, मेल आईडी, हमें इसकी चाहिए होती है सिर्फ मेल आईडी। ओके, और अब इसकी मेल आईडी कैसे होती है वो मैं बताता हूं। मेल आईडी इसमें होती है जैसे राहुल अब इसमें ज्यादातर इसका रूल क्या होता है, मैं अलग अलग से इसको बता देता हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैंने आर इसमें कैपिटल दे दिया है। इसका मेन रूल ये होता है, जैसे सही तरीका इसका ये है, ये यहाँ से जुड़ा होता है ए आपस में, ओके इस टाइप से। अब ये तो राहुल क्या आ गया, ये चीज़ है उसके यूज़र नेम, जो यूज़र है उसका नेम। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको लोग ऐट भी बोल देते हैं या कई लोग इसको ऐट द रेट भी बोल देते हैं। ओके, अब ये जीमेल, जीमेल क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस प्रोवाइडर उसका एड्रेस आ गया। डॉट कॉम इसको क्या बोलते हैं, जो बीच में है डॉट लगा हुआ और साथ में क्या है कॉम। अब अगर हम इसको कंप्लीट बोलें तो क्या बोलेंगे, राहुल एट, एट भी बोल देते हैं, एट द रेट भी बोल देते हैं, एट ही बोलेंगे इसको शॉर्ट में, राहुल एट जीमेल डॉट कॉम, इसको इस टाइप से बोला जाता है। ये तो आपको बताया बोलने का तरीका, क्या बोलेंगे, राहुल एट जीमेल डॉट कॉम। जीमेल की जगह क्या आ जाता है, कई बार याहू मेल भी आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, याहू मेल डॉट कॉम, इस टाइप से याहू मेल, तो राहुल एट याहू मेल डॉट कॉम, इस टाइप से। बहुत सारे एड्रेस होते हैं, जैसे कुछ भी कर लो अलग अलग से होते हैं, आपके नाम से आप भी सभी हो सकते हैं, ईमेल यूज़ कर रही हूँ तो आपकी भी एक ईमेल आईडी होगी, हर किसी की एक ईमेल आईडी होती है, जो भी स्मार्टफोन्स कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये फिक्स है, एट द रेट ये पक्का ही होएगा, जी मेल याहू मेल इनमें से कोई ना कोई होएगा, और डॉट कॉम डॉट इन इस टाइप से कोई ना कोई होएगा, ये ज़रूरी है होना। ओके, तो स्टूडेंट अब तक तो थी आपको जो जनरल, आपको जो नॉलेज दे रहे थे इसका, वो अब हम बात करेंगे जो आपकी सारी चीज़ है। अब इसके अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट होते हैं मेल के अंदर, अब मेल के अंदर क्या होते हैं, जैसे आपको पता है मोबाइल में अपने मैसेजिंग की सर्विस होती है, उसके अंदर क्या होता है इनबॉक्स, फिर एक क्या होता है आउटबॉक्स होता है जैसे, फिर इसमें क्या होता है सेंट मैसेज होते हैं, फिर इसमें क्या होता है ट्रैश होता है, इस टाइप से। ट्रैश वैसे मोबाइल में नहीं होता है, मेल में होता है, मेल में क्या होता है जो डिलीट की गई मेल है वो ट्रैश में भी चली जाती है, या अपने क्या करते हैं कोई स्पैम मान लेते हैं, स्पैम मतलब अपने कहते हैं बेकार की है, वो भी ट्रैश में चली जाती है, तो ये कई चीज़ें होती है। लेकिन अपने को इसमें वो सिर्फ जो ईमेल हम यूज़ करेंगे वहाँ पे काम आता है अपने के लिए, इसमें एक क्या होता है कंपोज का भी होता है, इसमें या ईमेल जब अपने किसी को लिख के भेजते हैं ये होता है, लेकिन अपने बुक्स में ये काम नहीं आने वाला, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, ताकि आप ईमेल लिख रहे हो, बुक्स में भी आप ईमेल लिख रहे हो तो आपको ईमेल के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे ईमेल के अंदर बुक्स में क्या क्या
कंपोनेंट होते हैं। उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं बात करते हैं हम, 2 CC BCC ओके ये चीजें होती है। अब टू का अर्थ क्या होता है, टू वर्ड्स मीन्स की तरफ, किसकी तरफ, मतलब ये किसको भेजना है। इसके अंदर हमने देना होता है रिसीवर का जो एड्रेस है, रिसीवर्स एड्रेस ओके। तो हम क्या सोचेंगे इसमें रिसीवर का एड्रेस वो नहीं है 137 सिविल लाइन से फलाना नगर है अपने, वो करेंगे ये सिटी है जयपुर है आगरा है कोटा है, कुछ नहीं करेंगे। इसके अंदर जीमेल आईडी किसी की याहू मेल आईडी बोलेंगे अपने वो होगी सीसी। इसका अर्थ क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है किसी भी चीज की सेम ही कॉपी बना देना। अब ये इसलिए, अब मैं ये बता दूं सीसी का यूज किसके लिए होता है। सीसी का यूज इसलिए होता है कि मैं क्या करूं, मेरे पास क्या हूं, 2 स्टूडेंट को मैंने मेल भेजना हो ओके। तो मैं क्या करूं, एक है मेरे पास फर्स्ट स्टूडेंट, एक है सेकंड, और मैं क्या करता हूं जैसे 2 आ गया ऊपर, 2 में तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट स्टूडेंट के जहां पे जो भी मेल आईडी है वो लगा दी, और सेम टू सेम इसकी हूबहू जो कॉपी है वो मैंने सेकंड स्टूडेंट को भी भेजनी है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, जो सेकंड स्टूडेंट की मेल आईडी है mail2.com, कोई भी एग्जांपल दिया है mail.com mail2.com, सेकंड स्टूडेंट की मेल आईडी है मैं इसमें डाल दूंगा। फिर क्या है बीसीसी, इसमें होता है बीसीसी, इसका अर्थ क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर वही मेल मैंने 3, 4, 5 किसी और स्टूडेंट को भेजनी हो तो किसी की एक आईडी कॉमा लगाया, दूसरे की आईडी कॉमा लगाया, तीसरे की, चौथे की आईडी, अगर बहुत ज्यादा लोगों को मैंने सेम ही एक ही क्लिक के अंदर इतने लोगों को भेजनी हो, क्लिक एक ही करना है, एक बार सेंड पे क्लिक करना है अपने, और बहुत लोगों को भेजनी है, तो पहले बंदे का जो मैन है बंदा उसको यहाँ पे डालो, फिर सेकंड उसकी कॉपी किसी को देनी है तो उसको यहाँ पे डालो, फिर अपने लगे कि ये सेम ही कॉपी कई लोगों को भेजनी है तो उनको सभी का एड्रेस यहाँ पे डाल के सेंड पे आप क्लिक करो। जैसे अपने सेंड पे क्लिक करेंगे तो उससे क्या होएगा कि एक ही क्लिक में मेल सभी के पास पहुंच जाएगी। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट, अब अपने बात करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में अपने वो जैसे फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट बताते हैं किस बारे में लिख रहे हैं लेटर अपने, वो चीज इसमें होती है। टेक्स्ट के अंदर जो बॉडी ऑफ लेटर होता है, टेक्स्ट में अपने क्या करते थे, बॉडी ऑफ लेटर में 3-4 जो लाइनें होती थी इंपॉर्टेंट लेटर की वो लिखते थे ओके। फिर इसके लास्ट में योर्स ओबीडिएंटली वगैरह अपना नाम वो चीज हो जाएगी। अब यहां तक तो था जो आपको इंट्रोडक्शन था मेल के बारे में आपका ओके। अब हम करेंगे मेल कैसे की जाती है ओके। तो इतना मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपको, क्लास 9th और 10th है दोनों ही क्लास में जो मेल है प्रिंसिपल को, या बोल लें अपने हेडमास्टर को, एंड एडिटर को, या तो प्रिंसिपल को या एडिटर को, यही मेल इंपॉर्टेंट है। 99% चांसेस है मेल एग्जाम में आती है, जो भी ईमेल आपको या तो प्रिंसिपल को भेजना होगा या एडिटर को भेजना होगा, बहुत ज्यादा चांस इन्हीं में से आने के है ओके। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यू आर कमल और कल्पना, अगर लड़का है तो अपना नाम लिखेगा कमल और लड़की है तो क्या लिखेगा कल्पना, ऑफ क्लास 10th ओके, 10th ऑफ राजीव इंटरनेशनल स्कूल, या कोई नाम इस टाइप से अपने दें इसमें, ऑफ आदर्श
विद्या मंदिर, जयपुर। ओके, राइट एन ईमेल लेटर टू योर प्रिंसिपल एट प्रिंसिपल avmjpr@gmail.com टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस इन साइंस एंड मैथ्स। ओके, या फिर अपने बोले साइंस ना करो तो आप क्या कर दोगे, इंग्लिश एंड मैथ्स। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या कहता है, हम पढ़ते हैं इसको। यू आर कमल और कल्पना ऑफ क्लास 10th ऑफ आदर्श विद्या मंदिर जयपुर, राइट एन ईमेल लेटर टू योर प्रिंसिपल एट प्रिंसिपल avmjpr@gmail.com। आप देखें अपने एड्रेस कैसे बनाया हुआ है, ये प्रिंसिपल को भेजना, प्रिंसिपल आ गया है, आदर्श से ए लिया, वी लिया, एम लिया, एवीएम, जयपुर से जेपीआर, ये मतलब इतना क्या है अपने एड्रेस है, ईमेल एड्रेस बोलते हैं जैसे प्रिंसिपल का। और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस इन इंग्लिश एंड मैथ्स। ओके, तो अब अपने देखें इसमें आंसर इसका करते हैं किस टाइप से। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसमें कॉलम टू का सी सी बी सी सी सब्जेक्ट टेक्स्ट। ये फॉर्मेट सीख लो भी कैसे बनाया जाता है। अब देखिए टू टू में क्या करते हैं, एड्रेस डालते हैं किसको भेजना है, और सीसी और बीसीसी आपको हमेशा ब्लैंक रखना होगा, खाली रखना होगा, किसी काम का नहीं आपके लिए। अगर आप कभी मेल भेजते हो किसी को, मतलब आपको ब्रॉडकास्ट करनी है मेल कई लोगों को एक साथ, तो ही आपके ये काम का है, अदरवाइज आप अकेले टू में फिल करोगे, सब्जेक्ट में करोगे, टेक्स्ट में, तो अपने जो बॉडी ऑफ लेटर का सेम सिस्टम होता है वही आएगा। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि हमें लेटर भेजना, ये ईमेल लेटर है ये भेजना किसको है, तो इसका ध्यान रखना ईमेल एड्रेस लिखने का क्या तरीका होता है। देखने में आया है पिछले सालों में स्टूडेंट इसमें काफ़ी गलतियां कर रहे हैं। एक तो तरीका क्या आता है, बीच में कहीं भी कैपिटल लेटर नहीं देना होता। फिर दूसरा सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर कहीं भी स्पेस नहीं देना होता। स्पेस जैसे देखो इंग्लिश, ये बीच में स्पेस है, एंड बीच में स्पेस, और मैथ देखो बीच में, ये इतनी जगह खाली दे रखी ना, ये बीच में कभी भी स्पेस नहीं देना होता। फिर देखो जैसे इंग्लिश में ई कैपिटल है, एम कैपिटल है, पी कैपिटल है, यू कैपिटल, वाई कैपिटल है, वी एम कैपिटल है, के कैपिटल है, के कैपिटल है, सारे पड़े हैं ना कैपिटल, कहीं भी इसमें कोई भी लेटर होएगा वो कैपिटल नहीं आएगा, देखो ध्यान से इसको। फिर देखो पी आर आई एन सी आई P A L A V M J P R at gmail gmail.com। ओके,
इस टाइप से सावधानी से बढ़िया साफ सुथरा एड्रेस लिखोगे कि उसके अंदर कोई भी गलती की गुंजाइश ही ना हो। ओके, तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमने ये भी छोटा कर दिया। सी सी बी सी सी खाली रहेगा। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट अपने लिए क्या है? टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज इन इंग्लिश एंड मैथ्स। टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस इन इंग्लिश एंड मैथ्स। ओके, फिर देखो टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में अपने क्या लिखेंगे? सेम ही लेटर के तरीके से शुरुआत करेंगे, सर। ओके, आप देखो सर के बाद हम इसमें क्या लिखते हैं, या अपने क्या करें, सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स इज इनकम्प्लीट। ओके, या आपने इस टाइप से इसको थोड़ा डिटेल में भी बता सकते हैं। ऑफ बोर्ड क्लासेस इज इनकम्प्लीट, सो आई रिक्वेस्ट यू टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस इन इंग्लिश एंड मैथ्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन आवर सिलेबस। यहाँ पर हमने क्या कर सकते हैं, इसमें पैरा भी चेंज कर सकते हैं। करेंगे तो हम इसमें कैसे लिखेंगे? वैसे इसमें ज़रूरत नहीं होती पैरा चेंज करने की। सो आई रिक्वेस्ट अगेन टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस इन बोथ सब्जेक्ट्स। अदरवाइज द स्टूडेंट्स विल हैव टू सफर बैडली। थैंक यू। योर्स ऑबिडेंटली, नेम क्या था इसमें? कमल। अगर बॉयज हैं तो क्या करेंगे? कमल। और अगर गर्ल्स हैं तो क्या करेंगी? कल्पना। ओके, और लास्ट में इस बॉक्स को क्या कर दोगे? बंद। आप देखिए स्टूडेंट्स, इसको रिवाइज करते हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू टू में एड्रेस डाला। एड्रेस डालते हुए अपने क्या सावधानी रखनी है, कोई कैपिटल लेटर ना डालें बीच में, कहीं पर ज़्यादा स्पेस ना दें, इन दोनों को क्या रखोगे खाली। फिर अपना सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है अपना एक्स्ट्रा क्लासेज अरेंज करना, टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज इन इंग्लिश एंड मैथ्स। फिर टेक्स्ट, टेक्स्ट में अपने को क्या देना होता है, वैसे कई बार ना इसको खाली छोड़ देते हैं, खाली कैसे छोड़ते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट में कुछ भी नहीं लिखते, ऐसे होता है, अगर ना लिखो तो भी चलेगा क्योंकि ऑलरेडी सभी को पता है ये क्या है, टेक्स्ट है। तो देखो सर, सर लिख के द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड मैथ ऑफ बोर्ड क्लासेस इज इन इनकम्प्लीट, इज इनकम्प्लीट, मतलब बोर्ड क्लास में क्लासेस में इंग्लिश और जो मैथ का सब्जेक्ट है उसके जो सिलेबस है वो क्या है, इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं हुआ है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज इन इंग्लिश एंड मैथ, और इसी कारण मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्या हो, इंग्लिश और मैथ में एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करो। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन अवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस सब्जेक्ट है। सो आई रिक्वेस्ट अगेन टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज इन बोथ सब्जेक्ट्स, और इसीलिए मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या करें, इसमें एक्स्ट्रा क्लास जरूर आप स्टार्ट करें, अदरवाइज कि अन्यथा क्या होएगा, द स्टूडेंट्स विल हैव टू, मतलब उसको होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, सफर बैडली, बुरी तरह से स्टूडेंट्स को परेशान होना पड़ेगा इसके लिए, स्टूडेंट्स परेशान हो जाएंगे, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होएगा, स्टडी नहीं हो पाएगी, और लास्ट में इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, उनके रिजल्ट के ऊपर। फिर थैंक यू, और टीचर को लिख रहे हैं तो श्योर सी बात है कि क्या लिखेंगे अपने, योर्स ऑबिडेंटली, और नाम अपना कमल है या कल्पना है जो भी है वो आप नाम लिख दोगे। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या कर सकते हो अपने होमवर्क के लिए, अपने होमवर्क के लिए आप इसको ये करो, एक मिनट वेट करें, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं ये चीज़ें। स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके होमवर्क अपना कर सकते हो, इससे कॉपी में नोट कर सकते हो। बुक्स में आपको इसके अलावा बहुत सारे और भी ईमेल मिलेंगे, कुछ तीन चार ईमेल ज़रूर करने की प्रैक्टिस करना कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप अपने आप को रिलैक्स फील करो ईमेल नोट करते समय, ईमेल कंपोज करते समय, ओके। तो स्टूडेंट्स फिर भी आपको सिलेबस है जो क्लियर है, लास्ट में मैं कुछ थोड़ी सी आपको बात कहना चाहता हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुने कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है, काट दिया क्या है, काफ़ी जो है रिवाइज हो क्या है, मतलब रिवाइज सिलेबस इश्यू हो चुका है। तो स्टूडेंट्स इधर देखें ध्यान से, अपने क्या है 60% सिलेबस रह चुका है, जो 40% है वो सिलेबस डिलीट हो चुका है, और वो जो आपका सिलेबस है जो मतलब न्यू सिलेबस आया है रिवाइज सिलेबस, वो सिलेबस ग्रुप में दे चुका हूँ मैं, और आप वहाँ से देख सकते हो। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को सिलेबस में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो पूछ सकता है, आपको वो क्लियर किया जाएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो इसके ऊपर सिलेबस के ऊपर भी वीडियो बना देंगे, और अदरवाइज हमें लग रहा है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कि क्या आपके सिलेबस में से हट चुका है, वो चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके सिलेबस में है सिर्फ वही आप पढ़ोगे ताकि एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर आ सकें। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर से, और उसमें जो आपके डिलीट किए हुए चैप्टर हैं उनको आप ध्यानपूर्वक देखोगे, जो चैप्टर आपको पहले पढ़ा दिए गए हैं, जिनका होमवर्क आपने किया है या नहीं किया है, जो डिलीट हो चुके हैं चैप्टर उनको इग्नोर कर दीजिए, और अगर आपने होमवर्क नहीं भी किया है तो जो डिलीट हो चुके हैं चैप्टर कृपया उनका होमवर्क ना कीजिए, वो कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए। अब से टेक्स्ट जो भी आपको टेक्स्ट बुक स्टार्ट करवाएंगे उसमें क्या है कि जो सिलेबस आपका न्यू है उसके अकॉर्डिंग ही आपको टेक्स्ट बुक स्टार्ट की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन एक और रिक्वेस्ट आपसे कि जो भी आपका होमवर्क है हैंड टू हैंड फिनिश रखें, और टाइम टू टाइम स्कूल ऑफिस से अपनी जो नोटबुक्स हैं वो ज़रूर चेक करवाएं। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय।